हेलो गाइस, वेलकम टू स्मार्ट एडी। और आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि एमएस डॉस ट्यूटोरियल का पार्ट 3 इस वीडियो का नाम है। और मैं पार्ट 2, पार्ट 1 और डॉस के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन था मैं दे चुका हूं पिछले वीडियोस में। तो आज चलिए देखते हैं एमएस डॉस ट्यूटोरियल पार्ट 3 क्या है, क्वेश्चन है, क्या है आंसर, उसको हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन क्या है। बोल रहा है हाउ टू रीनेम ए डायरेक्टरी, मतलब कि कोई भी मान लीजिए कोई फोल्डर है उसका हम नाम कैसे चेंज करें डॉस के द्वारा, एमएस डॉस के द्वारा। तो देखते हैं, डॉस खोल लिया है हमने, खोल के बाद हमने इसको इस कमांड को देना पड़ेगा। कमांड क्या है, रीनेम ओल्ड डायरेक्टरी नेम, मतलब कि पुराना जो डायरेक्टरी का नाम था, पुराना जो फोल्डर का नाम था अभी जो है उसका नाम, और अभी क्या देना चाहिए वो नाम आपको देना पड़ेगा। ठीक है, स्पेस देकर। ओके, तो देखिए कैसे करता हूँ मैं। लिखिए, मैं तो डी ड्राइव में काम करता हूँ तो डी ड्राइव में काम कर देता हूँ। तो अब लिखिए री नेम, मेरा एक डी ड्राइव में न्यू बोल कर फोल्डर है उसको ही मैं रीनेम करूँगा। ठीक है, तो देखिए कैसे, रीनेम स्पेस न्यू, मतलब कि वो फोल्डर का नाम न्यू, और अभी क्या देना चाहेंगे हम तो देखते टेस्ट। ओके, तो एंटर। अब देख सकते हैं कि वो टेस्ट है कि नहीं, तो चलिए जाते हैं। देखिए न्यू बोल के यहाँ पे कोई भी फोल्डर नहीं है, जो था वो टेस्ट में बदल गया। ठीक है ना, तो ऐसे ही कोई भी फोल्डर को रीनेम किया जा सकता है। तो इसके बात क्या है देखते हैं। हाउ टू रीनेम ए फाइल, सेम प्रोसेस, ये भी सेम प्रोसेस है। तो कैसे करूँगा तो देख लीजिए, मान लीजिए मतलब देख लीजिए कि यहाँ पे मेरा टेस्ट टू नाम का एक फाइल है। ठीक है, फाइल मैं तो फोल्डर ने फोल्डर का बताया कैसे करूँगा, तो फाइल का भी सेम है। ठीक है, यहाँ पे सेम है, तो टेस्ट टू का नाम एक फाइल है, तो रीनेम स्पेस फाइल का नाम है टेस्ट टू, और उसको हम बदलाएंगे टेस्ट पर बदल देते हैं या कंप्यूटर में बदल देते हैं, कंप्यूटर नाम में बदल देते हैं। तो देखते हैं। ओके, अब जाते हैं फिर से, अब देखते हैं हो क्या नहीं। अब देख सकते हैं कि ये हो चुका है कंप्यूटर नाम फाइल। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, अब क्वेश्चन है हाउ टू गेट सीरियल नंबर ऑफ एनी ड्राइव, मतलब कि कोई भी जो ड्राइव है, मतलब कि मान लीजिए ये सब सी डी ई एफ जी एच मेरे ड्राइव का नाम है, तो इसका जो वॉल्यूम है इसको वॉल्यूम कहेंगे, तो वॉल्यूम का सीरियल नंबर क्या है। तो सीरियल नंबर कभी कभी हम लोगों को चाहिए होता है, तो कैसे देखे डॉस के द्वारा, तो देखिए कैसे। अब जिस ड्राइव का देखना चाहते हैं वॉल्यूम उस ड्राइव पर आप इंटर करें, मतलब कि मैं डी ड्राइव का देखना चाहूँगा तो डी ड्राइव पर इंटर कर चुका हूँ, और उसके बाद इस कमांड को दे दीजिए वी ओ एल, मतलब कि वॉल्यूम, एंटर मारिए। अब देखिए वॉल्यूम इज ड्राइव डी इज इंस्टॉल सॉफ्टवेयर, मतलब कि इसका जो नाम है डी ड्राइव का उसका नाम है इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर। देख सकते हैं आप यहाँ पे डी ड्राइव का नाम है इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये हो गया। अब इसका सीरियल नंबर ही है DC40 47 C9। तो ऐसे ही आप किसी भी ड्राइव का नाम और सीरियल नंबर भी पता कर सकते हैं डॉस के द्वारा। तो चलिए इसको वॉल्यूम कमन कहते हैं। तो इसके बाद क्या है देखिए, हाउ टू कट एंड पेस्ट ए फाइल। ओके, तो कैसे हम कोई भी फाइल को काट और पेस्ट कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, अब मैं डी ड्राइव में ही कुछ फाइल्स हैं, जैसे कि मान लीजिए कंप्यूटर ये फाइल है, तो इसको चले छोड़िए, मैं क्या इमेज ही ले लेता हूँ, इससे इमेज को हम ठीक है, तो इसको हम
उसका नाम रख देते हैं ब्राउन। तो अब इसका टाइप देख लीजिए, जेपीजी टाइप का है और नाम है ब्राउन। तो इस फोटो को हम एक जगह से दूसरी जगह ले जाएंगे, तो कैसे, चलिए देखते हैं। पहले तो आप मूव लिखिए, कट करने के लिए मूव और कॉपी करने के लिए कॉपी लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। मूव लिखिए मतलब कि आप कट करना चाहेंगे, तो मूव किस किस को मूव करेंगे, कौन सा फाइल को, टेस्ट सॉरी ब्राउन नाम का एक फाइल था उसको हम मूव करेंगे, डॉट जेपीजी। आपको फॉर्मेट भी बताना पड़ेगा, ठीक है। तो ब्राउन डॉट जेपीजी नाम के फोटो को आप मूव करेंगे कौन सी ड्राइव में, मान लीजिए हमारे सी ड्राइव में ही मैं खेलूँगा, ठीक है। तो सी ड्राइव अब लिख दीजिए, सी ड्राइव सी कोलन, ओके। अब देख सकते हैं अब कंफर्म हो गया, वन फाइल्स मूव्ड, मतलब कि वो फाइल चला गया। तो क्या था हमारा वो कमेंट, मूव फाइल नेम, मूव स्पेस फाइल नेम स्पेस डेस्टिनेशन डायरेक्टरी, मतलब कहाँ पे आप जाना चाहेंगे इस फाइल पे, और एंटर, ओके। तो देखते हैं सी ड्राइव में जा गया है कि नहीं, सी ड्राइव में, तो सी ड्राइव में नहीं, मैंने कौन सी ड्राइव में बताया था, अच्छा ओके, ब्राउन डॉट जेपीजी को सी ड्राइव में। तो देख लीजिए यहाँ पे ब्राउन डॉट जेपीजी कहाँ पे है, ये तो नहीं दिखा रहा, फिर से करते हैं ट्राई, देखते हैं। मूव ब्राउन डॉट जेपीजी किस में करेंगे हम, ई ड्राइव में कर लेते हैं, ठीक है। ये क्या हो रहा है, ओ मतलब कि ब्राउन डॉट जेपीजी का फाइल का कोई नाम ही नहीं है यहाँ पे, तो ब्राउन फिर से करते हैं, सॉरी टाइम वेस्ट के लिए। मूव ब्राउन डॉट जेपीजी ई ड्राइव में, द फाइल एग्जिस्ट मतलब कि वो फाइल आगे से ही है, देखते हैं ई ब्राउन डॉट जेपीजी। अब देख सकते हैं ब्राउन डॉट जेपीजी आ गया है, ठीक है। ये देखिए ब्राउन डॉट जेपीजी, तो ऐसे ही आप कोई फाइल को मूव कर सकेंगे, ठीक है। तो इसका कमांड है ये। इसके बाद जो कमांड है, हाउ टू कॉपी और पेस्ट अ फाइल, कॉपी पेस्ट कैसे करें, मूव तो कर लिया, मतलब कॉपी का मतलब तो आप जानते होंगे कि इस फाइल को ही हम दूसरी जगह पे कॉपी करेंगे, ठीक है। तो कैसे, तो मान लीजिए ब्राउन डॉट जेपीजी को हम ई ड्राइव में कॉपी करेंगे, इसको आगे से फिर काट देता हूँ उसको और देखता हूँ कैसे। कॉपी लिखी है, लिखने के बाद स्पेस ब्राउन डॉट जेपीजी मतलब कि हमारा फाइल का नाम, इसके बाद जिस ड्राइव में आप इसको ले जाना चाहेंगे ई, ओके। तो देख सकते हैं वन फाइल्स कॉपीड हो चुका है, तो डी ड्राइव में तो था ही ब्राउन डॉट जेपीजी, आप इसको ई ड्राइव में भी हम कॉपी कर चुके हैं, तो देखते हैं, ठीक है। ये देखिए ब्राउन डॉट जेपीजी आ गया है, ठीक है। ऐसे आप कोई फाइल को कॉपी कर सकते हैं। तो इसमें एक बात याद रखेंगे कि डॉट जेपीजी फॉर्मेट है, जो फॉर्मेट है फाइल का वो देना पड़ेगा, नहीं तो ये काम नहीं करेगा, ठीक है, इग्नोर दिखाएगा। उसके बाद जो कमांड है, हाउ टू हाइड ए डायरेक्टरी, मतलब कि कोई फोल्डर को कैसे हम हाइड करें, हम तो विंडोज़ में कर लेते हैं पर डॉस में कैसे करें, तो देखते हैं। पहले देख लेते हैं डी ड्राइव में कौन सी है, मतलब कि टेस्ट को हम हाई करेंगे, टेस्ट को देख लीजिए टेस्ट को। अब इसको हाई करने के लिए जो कमांड है लिखिए, एट्रिब ए डबल टी आर आई वी स्पेस प्लस एच, प्लस का मतलब कि हाइड करना और माइनस का मतलब अनहाइड करना, तो कुछ देर बाद ही जानेंगे माइनस को। तो प्लस एच एट्रिब स्पेस प्लस एच स्पेस डायरेक्टरी नेम, मतलब कि डायरेक्टरी का नाम क्या है, टेस्ट, तो आप इंटर कीजिए। ये जो अब हाइड हो चुका है, तो देखिए डी ड्राइव में जाके हाइड हो चुका है, टेस्ट नाम का यहाँ पे कोई फोल्डर नहीं है। तो फिर से दोबारा देखने के लिए एट्रिब, उसको अनहाइड करने के लिए माइनस एच, मैंने बोला था अनहाइड के लिए माइनस और हाइड के लिए प्लस, ओके। टेस्ट फाइल का नाम क्या था, टेस्ट को अनहाइड करो, अब हो चुका है, तो आप देख सकते हैं डी ड्राइव में टेस्ट फिर से आ चुका है, ठीक है। तो ऐसे ही
तो इसके बाद माइनस भी हो गया, ये तो हो गया, अब दूसरा वाला। हाउ टू हाइड ए फाइल, मतलब कि कोई फाइल आप कैसे हाइड करें। एक ही प्रोसेस है फाइल को हाइड और अनहाइड करने का, कोई भी फाइल हो। जैसे कि मान लीजिए वो ब्राउन डॉट जे पी जी है, ब्राउन डॉट जे पी जी को हाइड करेंगे, सॉरी एट्रिब प्लस एच ब्राउन डॉट जे पी जी हाइड हो चुका है। तो हम देखेंगे कि सही में ये हाइड हुआ कि नहीं, ठीक है, देखते हैं। हाँ देखिए, ब्राउन डॉट जे पी जो था वो हाइड हो चुका है। अब देखेंगे कि आता है कि नहीं। एट्रिब मैंने बोला था कि माइनस अनहाइड के लिए और प्लस हाइड के लिए, ब्राउन डॉट जे पी जी का फिर से अनहाइड करें, तो इंटर। देखिए आ चुका है ये, ठीक है ना। अगर तो ऐसे ही आप कोई फाइल को भी हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। ओके दूसरा, ये तो हो चुका है। हाउ टू क्लोज डॉस, लास्ट में तो यही जानेंगे कि सब तो काम तो कर लिया, कलर देख लिया, सब कुछ देख लिया हमने, बेसिक जो डॉस कमांड थे वो हमने देख लिया। अब इसको बंद कैसे करें, विंडोज़ की तरह तो इसमें काट के भी बंद कर सकते हैं, बट हम इसमें डॉस की तरह से मतलब कि बंद करेंगे, मतलब कि एग्जिट होंगे। तो एग्जिट के लिए एग्जिट कमांड EXIT, एग्जिट हो जाएगा, एंटर मारिए। ओके तो ये था हमारा Tutorial 3। और मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि ये सब करने के पहले जब भी आप, मैंने बोला था जब भी आप कमेंट फॉर्म खोले तो उसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके खोले, ठीक है। CMD को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर मतलब कि राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके ही खोले, नहीं तो कुछ कमेंट्स नहीं काम करेंगे, ठीक है। यस कीजिए, ओके ऐसे ही खोले है? तो आप, मैंने सब भी कमेंट बता दिए। तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में, इसके बाद में एक ही और ट्यूटोरियल तैयार करूँगा डॉस के ऊपर, जो होगा हैकिंग के ऊपर, कि डॉस से कैसे हैक किया जाता है। Top 10 कमेंट में बताऊँगा प्रैक्टिकली, आप देख सकते हैं। और आज के लिए इतना ही इस वीडियो में, आप अगर आपको कोई सुझाव या कोई क्वेश्चन है तो मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, और लाइक, आपको इस वीडियो को अगर पसंद आया हो तो लाइक तो ज़रूर कीजिए। ओके आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।